हेलो गाइस। सो फ्रेंड्स, बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, 2 दिन हो चुके हैं गाइस। थोड़ा बिजी था, बाहर गया हुआ था, जब भी ऑटो स्टेशन जब भी गाइस वीडियो नहीं बना पाया। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई वाइड मैन का जो 11 का सपोर्ट आया था ऑन पोको F1 गाइस, वो सिर्फ लॉक बूट लोडर पर मतलब कैपेबल है। उसी पर आप मतलब HD वीडियोज़ देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स पे नहीं, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार पे, इन सब पे। नेटफ्लिक्स का अभी तक कोई पता नहीं है। सो गाइस, और अगर आपका अनलॉक बूट लोडर हो तो आप उस पर नहीं कर सकते, जैसे आप प्राइम पे HD वीडियो क्वालिटी पे नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो वेरिफिकेशन होता है, एक डिवाइस वेरिफिकेशन करता है जब अमेजोन प्राइम, तो वो ये पाता है कि गाइस आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है। तो अब उसी चीज़ को गाइस एक फ़ाइल बाईपास करती है, उसी मतलब वेरिफिकेशन को, और फिर आप जो L1 का सपोर्ट है उसका फ़ायदा उठा सकते हो। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, न्यूज़ पोको F1 के ऊपर हमेशा आती रहती है, जैसे अभी है। और एज ऑलवेज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना गाइस। इस टाइम हाथ में पोको F1 आप देख लिया होगा, और फाइल गाइस जो मैंने आपको कहा था कम से कम एक हफ्ते पहले, मेरे को एक बंदा बहुत कहता भाई तुमने कहा है वीडियो बनाओ स्पेशली ऑन ऑक्सीजन OS, जो सबसे बेस्ट और स्टेबल है, उस पर Y1 का हमें चाहिए। माना कि गाइस आपको अभी इस टाइम अगर आप यहाँ पे DRM इन्फो में जाओगे तो आपको L1 का सपोर्ट दिखेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आपका L1 का सपोर्ट गाइस, आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप Amazon प्राइम इन सब पे जाओगे, वो L1 नाम का ही है सिर्फ, आप HD क्वालिटी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक फ़ाइल अब इसको बाईपास करेगी। आपने क्या करना है गाइस, दोबारा ऑक्सीनोस रीइंस्टॉल करनी है। जैसे आपने ऑक्सीनोस रीइंस्टॉल करी, उसके बाद आपने मैजिक्स फ्लैश करना है, जो इस टाइम मैंने कर रखा है। एक मिनट गाइस, थोड़ा फोकस कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद गाइस ये देख सकते हो, एक मिनट मैजिक्स की, ये रहा मैंने बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन, इसका भी मैंने अभी अभी जस्ट फ्लैश करा, और रोम भी अभी फ्लैश करी है। तो उसके बाद अब आपने ये प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, और दोबारा ध्यान से ये मत कहना भाई आपको गाइस मैंने पहले दिखा दिया है कि DRM इन्फो में L1 सपोर्ट है। मैं मानता हूँ L1 सपोर्ट है, लेकिन वो कैपेबल नहीं है, वो नाम का L1 है गाइस। जब आप Amazon प्राइम खोलोगे, आपको सिर्फ बेस्ट ही वहाँ पे लिखा होगा, और पर आवर 0.4 GB, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 700-800 MB लगेगी, या कोई भी डाउनलोड में या क्वालिटी में, स्ट्रीमिंग में आई मीन, तो वैसे ही है, बेस्ट ही आएगा सिर्फ। अब ये जो एक वेरिफिकेशन होती है, वो फाइल उस वेरिफिकेशन को बाईपास कर देती है, जो Y1 का L1 का सपोर्ट है उसको बाईपास कर देती है। और उसको बाईपास करने से आपका जो ये L1 का सपोर्ट है, ये अनलॉक बूट लोडर पे ऑन एनी रोम वर्क करता है गाइस। इन एनी रोम इट विल वर्क विद अनलॉक बूट लोडर गाइस दिस फाइल। तो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ अभी रीनेम करके। एक मिनट, ये रहा आपको मैं फाइल दिखा देता हूँ, एक मिनट डाउनलोड में, एक मिनट गाइस। हाँ, तो अब आपको मैजिक्स में दिखा दूंगा फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑक्सीनोस रीइंस्टॉल करनी है, चाहे कोई भी रोम हो, चाहे आप किसी भी कस्टम रोम पे हो, आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। क्योंकि लॉक बूट लोडर पे तो चल रहा है, क्योंकि लॉक बूट लोडर पे तो आप स्टॉक पे हो गए, तो ऑब्वियसली लॉजिक है वो गाइस चलेगा। अब जैसे किसी किसी का यार हमें ऑक्सीनोस सही है, स्टॉक इतनी कामयाब नहीं है, अब ऑक्सीनोस पे अच्छे स्टेबल अपडेट आ रहे हैं, तो अब अनलॉक बूट लोडर पे Y1 L1 का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। L1 आ रहा है, लेकिन वो नाम का L1 आ रहा है, कैपेबल नहीं है उस चीज़ को HD वीडियो क्वालिटी में, वो सिर्फ लॉक बूट लोडर पे है। तो ये फाइल गाइस उस चीज़ को बाईपास करेगी, और वो अनलॉक बूट लोडर पे ऑन एनी रोम इट विल वर्क। तो गाइस मैजिक्स में जाना है, फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैजिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैजिक्स को सबको फ्लैश करना आती है TWRP से, तो ये तो इतना ईजी है। अब गाइस मॉड्यूल्स में जाना है, यहाँ पे हमने प्रेस करना है नीचे, एक मिनट गाइस, थोड़ा आपको फिर, हाँ एक मिनट। हाँ तो गाइस अब अलाउ करना है, अभी मैंने नई रिस्टोर रोम करी है ना, जब भी वो इधर लिखा हुआ आ रहा है गाइस, बिल्कुल लेटेस्ट, मतलब दोबारा फ्लैश करी है मैंने रोम। डाउनलोड्स में जाना है, और अब फ्रेंड्स आपने यह करना है, जहाँ पे भी आपका वो रखा हुआ है, एक मिनट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये आपको सामने फाइल दिख रही होगी 7.75 KB की, इसको आपने ओके कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सब कुछ एक्सट्रैक्ट होकर फाइल हो गई। आपको मैं थोड़ा जूम भी कर देते हैं यहाँ पे हम, इसको ये है फाइल का नाम है गाइस, एक्सट्रैक्टेड मॉड्यूल फाउंड वेंडर लिम क्रिप्टो SO विच इज 910 bytes निटरिंग फाउंडिंग वेंडर, ये सारा उसमें उसको बाईपास कर दिया, जो आपका सिस्टम है उसके अंदर इसने मतलब जो भी सेटिंग्स अपनी करी है उसके इसको इसने बाईपास करके सेटिंग परमिशन डन। अब गाइस आपने इधर से इसको, पहले मैं तो लॉक हमेशा सेव रखता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा कई बार काम आता है, कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसमें सेट करें गाइस, वो डेवलपर का काम है, थोड़ा रिबूट कर देना गाइस। अब थोड़ा इसको हम पीछे आ जाते हैं फ्रेंड्स, और वेट करना है। सो गाइस रोम आपकी बूट हो चुकी है।
सो अब इधर से आपका जो जो वेरिफिकेशन थी बाईपास की, अब आप जो भी आपका प्राइम है वो अब इधर वर्किंग हो जाएगा गाइस, क्योंकि डीआरएम इन्फो में एक बार जाके देख ले, तब भी वो L3 इधर दिखाएगा। एक मिनट गाइस। सो गाइस रिबूट होने के बाद अब गाइस मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हम डीआरएम इन्फो में जाते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे एक सरप्राइजिंग होगा आपके लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो L3 आ रहा है। अब गाइस वो L3 इसलिए आ रहा है, मैंने तो आपको कहा था कि आप सोच रहे हो कि यार भाई तूने तो कहा था कि L1 की जो हमने फाइल करी थी गाइस, वो फाइल बाईपास का जो चेक होता है, जो L1 का वेरिफिकेशन चेक होता है, उसको उसने बाईपास कर दिया। अब गाइस इतना हो गया, इधर L3 आ गया। अब हम मेलिस्क में जाते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा एक और एक मिनट गाइस, ये रहा आपका मेलिस्क। यहाँ पे भी थोड़ा एक शॉकिंग चीज़ होने वाली है आपको रिवील्ड। मॉड्यूल्स में गए गाइस, ये रहा आपका जो मॉड्यूल था। अब इधर पढ़ना गाइस, डिसेबल जो भी लिमिटेड डॉट ऑन रूटेड डिवाइसेस टू अलाउ DRM प्रोटेक्टेड कंटेंट टू प्ले एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स MiFi ETC मतलब एक्सेट्रा। तो अब इधर से आप जो भी आपका HD कंटेंट है वो प्ले कर सकते हो इस मॉड्यूल से, ओनली ऑन अनलॉक बूट लोडर ऑन कस्टम रोम ऑन पोकोएफएन ऑक्सीजन से कोई भी रोम हो, इधर आप उसको प्ले कर सकते हो। आप साफ पढ़ रहे होगे गाइस, ये जो वेरिफिकेशन का चेक था उसको इसने फाइल ने वेरी मतलब बाईपास कर दिया। अब जैसे इसको आप हटाओगे तो दोबारा L1 का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप HD कंटेंट नहीं प्ले कर सकते। आपको दोबारा मैं पढ़ रही होगी आप, सो ऑन रूटेड डिवाइस टू अलाउ DRM प्रोटेक्टेड कंटेंट, उसी के अंडर आएगा गाइस, टू प्ले एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स MiFi एक्सेट्रा। तो ये जो भी चीज़ें हैं HD कंटेंट आप इधर प्ले कर सकते हो फ्रेंड्स। आज के लिए इतने फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आप एक बार खुद चला के देखोगे, झूठ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सोच रहे कि पहले L1 का, आप इसको एक बार खुद इंस्टॉल करके देख लो। मैं इसका जो मॉड्यूल है, आप जब DRM इन्फो में जाओगे ना, वहाँ पे L1 आ जाएगा गाइस, और फिर आप भूल जाओ सब कुछ जो भी है। या तो फिर आप सबसे बेस्ट है स्टॉक पे जाओ अगर आपको इसका मजे लेनी है, या तो आप कस्टम रोम पे रहो। यही फाइल जो कर सकती है, जो कुछ कर सकती है, और कोई मॉड्यूल फ्रेंड्स अभी तक तो नहीं बना है। ये साफ इधर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ये मतलब मॉड्यूल है, लिम क्रिप्टो डिसेबलर है, जो डिसेबल लिम क्रिप्टो सो ऑन रूटेड डिवाइस टू अलाउ DRM प्रोटेक्टेड कंटेंट टू प्ले एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, जो भी उनके मतलब DRM प्रोटेक्टेड, जैसे L1 वही मान के चल लो, जो वाइन वाइन का L1 बाईपास चेक होता है उसको इसने बाईपास कर दिया। अब इधर से आप जो भी आपका HD कंटेंट है, L3 आएगा, लेकिन आप HD कंटेंट प्ले कर सकते हो। आपने नीचे भी उधर पढ़ लिया होगा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आपका जो मॉड्यूल है वो भी यही कह रहा है, मैजिस का जो मॉड्यूल है तो वो भी यही कह रहा है फ्रेंड्स। आज के लिए तो इतना ही, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। दोबारा कह रहा हूँ गाइस, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।